जय हिंद। मैं निर्मल सिंह, रिजर्व कंपनी अंबाला छावनी। आज मैं आपको पीएमएसएस के बारे में बताना चाहूँगा। पीएमएसएस क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम। 15 अगस्त 2005 को ऐतिहासिक लाल किले दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि जो आरपीएफ स्टाफ सर्विस में हो या रिटायर्ड हो गए हों, उनके बच्चों को मेडिकल कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज या प्रोफेशनल कोर्स के लिए इस स्कीम के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम होगा। इस समय 150 स्टूडेंट आरपीएफ आरपीएसएफ के इंडियन रेलवे में निर्धारित किए गए हैं। इस स्कीम के तहत 150 स्टूडेंट ही लाभ ले सकते हैं। इसमें नॉर्दर्न रेलवे के अधीन जेआरआरपीएफ एकेडमी, आरडीएसओ या जो भी प्रोडक्शन यूनिट नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में आती हैं, उसमें टोटल नॉर्दर्न रेलवे को 17 बच्चों के लिए इस स्कॉलरशिप के तहत लाभ दिया जाना निर्धारित किया गया है। इस स्कीम में 50% गर्ल्स के लिए और 50% स्टूडेंट के लिए निर्धारित की गई है। इसमें जो भी एलिजिबल पीएमएसएस के लिए होगा, वो चाहे मेडिकल कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज या प्रोफेशनल कोर्सेज, वो वार्ड ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो भी वार्ड इस स्कीम के तहत ऑनलाइन एप्लीकेशन देगा, उसमें 60% मार्क प्लस टू या डिग्री कोर्सेज में होना आवश्यक है। 60% से लेस कोई भी वार्ड इस स्कीम में ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर सकता। इसमें अमाउंट जो निर्धारित किया गया है, वो फीमेल के लिए ₹2,250 पर मंथ और बॉयज़ के लिए ₹2,000 पर मंथ। इसमें बोर्ड द्वारा पर मंथ ना देकर सालाना एक बार में ही दिया जाता है, जिसमें बॉयज़ को ₹24,000 सालाना और गर्ल्स को ₹27,000 सालाना दिया जाता है। इसमें जो भी राशि पीएमओ ऑफिस से आती है, वो सीधे स्टूडेंट के अकाउंट में ही जाएगी। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय चार कैटेगरी बनाई गई है। चार कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में जो वार्ड यानी जो आरपीएफ सदस्य किसी आतंकवादी गतिविधियों या रेलवे प्रॉपर्टी की सुरक्षा करते हुए किसी एनकाउंटर में मारा जाता है, तो वो कैटेगरी वन के तहत उनके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी टू में जिन बच्चों को, जो आरपीएफ स्टाफ सर्विस के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके बच्चे कैटेगरी टू में अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी थर्ड में उन बच्चों को रखा गया है जिनके पिता रिटायर्ड हो गए हैं, और जो कैटेगरी फोर में वो एम्प्लॉयज रखे गए हैं जो फिलहाल सर्विस कर रहे हैं, उनके वार्ड कैटेगरी फोर के तहत अप्लाई कर सकते हैं। एमबीबीएस कोर्सेज के लिए 10+2 में 60% मार्क होना आवश्यक है, और बीटेक या डिप्लोमा उसके लिए 10+2 का होना आवश्यक है और 60% मार्क्स एंड अबव वो जरूरी है। अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं तो उसमें 30 सितंबर
से पहले पहले इसको सबमिट करना पड़ता है, जिसमें डॉक्यूमेंट के लिए उसका अटेस्टेड सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट प्लस टू की वो साथ में अटेस्टेड अटैच करना होता है, और साथ में उसका एक सर्विस सर्टिफिकेट जो पोस्ट कमांडर द्वारा वेरीफाई किया गया है, उसके वार्ड प्लस एम्प्लॉयज़ दोनों की फ़ोटो उस सर्विस सर्टिफिकेट पे लगी होगी, और वो डिविजनल ऑफिस से भी वेरीफाइड होगा, तभी वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ अटैच होगा। जय हिंद।